जरा कंप्यूटर बाबा के जरिए स्ट्राइक रेट आज के चुनाव का आपको दिखा देते हैं। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है आपको भी पता चल जाएगा। 70 में 57 सीटों पर जीत या आगे की स्थिति इस समय अरविंद केजरीवाल की आपको दिख रही है। सरकार बनाने के लिए जितने चाहिए उससे 21 ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। 81% उनका मौजूदा स्ट्राइक रेट। क्रिकेट में कभी भी ऐसे स्ट्राइक रेट की नौबत नहीं आती है। नहीं, लेकिन राजनीति पहले खत्म हो जाता है। नहीं, राजनीति में ये हमने नया एक लाया है ना कि थोड़ा हर बार एक ही जैसा विश्लेषण होगा, थोड़ा उससे आगे बढ़ा जाए, चीजों को आगे लेकर जाया जाए। तो आशुतोष जी, आप भी क्रिकेट के शौकीन है, थोड़ी बहुत देखिए ना जरा। ये स्ट्राइक रेट है अरविंद केजरीवाल का 86%। अब जरा बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी और सहयोगी, यहाँ नड्डा जी के खाते में उनकी गेंदें खत्म हो गई। 19% का स्ट्राइक रेट आ रहा है। 70 में से 13 सीटें हालांकि वो जीत रहे हैं, पिछली बार 3 सीट थी उसके मुकाबले 10 सीट ज्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट केवल 19% का है। 23 सीट और मिल जाती तब शायद बात कुछ और होती। अब जरा कांग्रेस की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 0 है। ये दिल्ली के चुनाव के बाद की स्थिति है जहां अभी तक कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्रिकेट के हिसाब से ये मैच खेल ही नहीं रहे थे। क्रिकेट की स्थिति के हिसाब से ये मैच खेल ही नहीं रहे थे। मैच खेल रहे थे या डक पर आउट माना जाएगा? नहीं, डक पर नहीं आउट माना जाएगा क्योंकि ये खेल ही नहीं रहे। इनके पास गेंदें, बीजेपी के पास गेंदें कम पड़ गई हैं। अब जी उतनी सीटें बची हुई हैं, लेकिन चूंकि क्रिकेट के हिसाब से हम स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। क्रिकेट तो दो टीमों के बीच में खेला जाता, तीसरी टीम आप कहां से लेके आ रहे हैं? नहीं, ये दूसरी चीज। अरे भाई, आप क्रिकेट की भाषा में बात कर रहे हो। चलिए अब जरा महारथियों की भी तस्वीर देख लें। बार बार सब लोगों को चिंता हो रही है कि मनीष सिसोदिया का क्या होगा, तो मनीष सिसोदिया के यहाँ ताजा तस्वीर क्या आ रही है? ये आ रही है पटपड़गंज सीट पर ताजा तस्वीर कि वो अभी भी पीछे चल रहे हैं। अब जरा मुख्य मुकाबला आप देख लीजिए क्या है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेता के साथ है। 38,880 वोट मनीष को और 39,436 वोट रविंद्र सिंह नेगी को बीजेपी के इस समय पड़ रहे हैं। से कम का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए अभी आप उम्मीद कायम रख सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया चलती है। अब जरा वापस चलते हैं पीछे और महारथियों के पास एक बार फिर से तस्वीर उनकी ले आते हैं और उसके बाद जरा देखा जाए। अरे मामला यहाँ, जरा वापस लेकर चलते हैं इसको और यहाँ से महारथियों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बड़े बड़े नेता जो इस समय चुनाव में आज कहाँ फंसे हुए हैं, किसकी स्थिति क्या है वो पता लग जाए। अमानतुल्ला खान, हालांकि बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में आ गए थे अमानतुल्ला खान, आगे चल रहे हैं इस समय और मुख्य मुकाबला उनका किस किस के साथ है। ब्रह्म सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं और काफी अंतर आ चुका है। 83,735 और 14,077 वोट, यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि और एक बार आतिशी का सीट 69,000 के आसपास वोटों का फासला अमानतुल्ला खान ने पा लिया है। अब जरा अगला चेहरा देख लेते हैं आतिशी का। आतिशी की स्थिति कालकाजी सीट से इस समय क्या चल रही है, वो इस समय आगे हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे इस खबर को जानने के बाद। 31,922 वोटों के साथ धर्मवीर सिंह बीजेपी के दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। आतिशी लगभग 2000 कुछ वोटों से उनसे अब आगे हो गई है। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा, जरा इनका भी चेहरा दिखा देते हैं आपको। काफी प्रचार को लेकर इनके विवाद रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान का चुनाव भी उन्होंने कहा इसको, जिसके बाद चुनाव प्रचार ने उन पर थोड़ी रोक भी लगाई। वो इस समय पिछड़ रहे हैं तमाम अपने आग उगलने वाले भाषणों के बावजूद। आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी उनसे करीब करीब 13,000 वोटों से इस समय आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। और कांग्रेस के पूर्व विधायक की बेटी हैं आकांक्षा ओला, वो मात्र 1,974 वोट लेकर इस समय तीसरे नंबर पर चली। अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस के जिन नेताओं के चुनाव जीतने की उम्मीद बंधी थी थोड़ी सी कांग्रेस को, जिन्हें लगा था कि पार्टी के नाम पर ना सही, कम से कम अपने नाम पर ये नेता शायद चुनाव निकाल लेंगे, उसमें अरविंदर सिंह लवली एक थे, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबला उनका था बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी, जो कि पूर्व विधायक भी है, वो 30,029 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। और अरविंदर सिंह लवली 15,099 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन सीटों में से आम आदमी पार्टी के, जहां पर कम से कम तीनों कुछ सम्मानजनक वोटों के साथ नजर आ रहे हैं। जी, यहां कांग्रेस को नहीं अरविंदर सिंह लवली को वोट पड़ रहा है, इसलिए ये 2,500 से ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जगह पर कांग्रेस के नेताओं को 1,000-2,000 भी वोट आपको दिखाई देंगे। अब जरा अलका लांबा का भी आपको चेहरा दिखा देते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी में चली गई, पिछड़ रही है इस समय चांदनी चौक सीट से। प्रहलाद सिंह सानी आम आदमी पार्टी के 23,327 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये देखिए
ये बताता है कि अलका लांबा को वोट नहीं मिलते थे, उनकी पार्टी को वोट मिलते थे जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ती रही। इस समय उनको 1234 1234 वोट कुल मिलाकर दिखाई पड़ रहे हैं और 5419 वोट बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। विजेंद्र गुप्ता भी, जरा विजेंद्र गुप्ता की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी की इज्जत बचाने वाले 3 विधायकों में से एक थे पिछली बार, जिन्हें बार बार मार्शल उठाकर बाहर ले जाते थे, श्वेता याद दिला रही है। तो विजेंद्र गुप्ता अभी आगे हो गए हैं थोड़ा, वैसे पारंपरिक सीट उनकी ये मानी जाती है और 28,513 वोट पाने के बाद करीब करीब 4,000 वोटों के फासले से वो इस समय आगे हो गए। कांग्रेस के सुमेश गुप्ता को यहां भी मात्र 914 वोट दिखाई पड़ रहे हैं। अब जरा एक चेहरा और आपको दिखा देते हैं, आदर्श शास्त्री का। आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में चले गए, क्या वो कमाल दोहरा कर पाएंगे? अपने नाम से उनको वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी यहां पर पिछड़ रही है, द्वारका सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। विनय मिश्रा, महाबल मिश्रा के बेटे हैं, वो आम आदमी पार्टी में आ गए और वो इस समय आगे चल रहे हैं 36,097 वोटों के साथ। बीजेपी के प्रद्युम्न करीब करीब 8,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। आदर्श शास्त्री को 4,155 वोट मिल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के वो पोते हैं, लेकिन सब फेल है। अरविंद केजरीवाल की लहर चल रही है, इनको देखकर आप ये कह सकते हैं, जो कि कांग्रेस के नेता के बेटे होने के बावजूद आम आदमी पार्टी में आते हैं और इस समय 36,097 वोट पाकर वो सबसे आगे चलते हुए आपको विनय मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। मंत्रियों के चेहरे भी देख लें, अगर ओपी शर्मा का चेहरा देखना चाहते हैं, ओपी शर्मा का चेहरा इसमें नहीं है सर, लेकिन जी ओम प्रकाश शर्मा जी ये इधर है ऊपर, जरा मैं ढूंढ के बता देता हूँ आपको। ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं, इस समय पिछली बार के विधायक भी हैं और इस समय आगे चल रहे हैं। विश्वासनगर दिल्ली से गुरचरण सिंह कांग्रेस के 6,830 वोट, दीपक सिंगला 44,837 वोट पाकर दूसरे नंबर पर है। 15,000 वोटों का लगभग इन दोनों के बीच में भी फासला है। तो ओम प्रकाश शर्मा पिछली बार के विधायक वो भी आगे चल रहे हैं और सोमनाथ भारती काफी विवादों में रहे, अपने निजी कारणों से भी और राजनीतिक कारणों से भी, लेकिन इस समय मालवीय नगर से वो आगे चल रहे हैं। पार्टी के नेताओं से पूछिए तो वो कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाकर देखिए आपको पता लगेगा कि सोमनाथ भारती ने क्या काम किया है। तो उसका असर यहां वोटों में दिखाई दे रहा है। 5,000 वोटों से वो बीजेपी के शैलेंद्र सिंह से इस समय आगे चल रहे हैं। नीतू वर्मा सोइन कांग्रेस की जो पूर्व डूसू की अध्यक्ष भी रही है वो पिछड़ रही है, पीछे चल रही है। और आशुतोष मिश्रा के पास चलने से पहले जरा फटाफट आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है राघव चड्ढा, जिनके लिए कहा जाता है कि भाई चुनाव प्रचार में रिश्ते आने लगे थे, महिलाएं पूछने लगी थी कि भाई शादी हो गई कि नहीं। उन्होंने कहा था मुझे समय नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है। तो वो इस समय आगे चल रहे हैं। राजेंद्र नगर सीट से आरपी सिंह बीजेपी के वो पिछड़ रहे हैं, 27,134 वोट मात्र उनके खाते में आ रहे हैं। तो अच्छी खासी बढ़त करीब करीब 18,000 वोटों की। तेजिंदर बग्गा, क्योंकि वो लगभग राघव चड्ढा ने बनाई है और तेजिंदर बग्गा को पूछ रही है श्वेता कि उनकी क्या स्थिति है, तो वो भी पीछे चल रहे हैं इस समय। और उनका जो उनकी जो सीट है राजकुमारी ढिल्लन आम आदमी पार्टी की 15,324 वोट और तेजिंदर बग्गा 13,409 वोट, यानी कि 2,000 से कुछ कम वोटों का फासला है जिससे आम आदमी पार्टी इस समय आगे चल रही है। चलिए